हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, वो मतलब मैं दोस्त से नंबर मिला था सर आपका। हाँ जी। टाइप वो बोला था कि बात कर लेना सर, डायबिटीज पेशेंट हूँ सर मैं, टाइप वन टाइप टू वन। कब से है? ये सर मेरे को 7-8 साल हो गए। अच्छा, आपने पहले भी फोन किया था ना दिन में, आज सुबह? हाँ, दिन में किया था तो आप इंसुलिन कितना लगा रहे हैं दिन में? ये सर, लगभग 64-65 यूनिट पर डे सर। ओके। और क्या महीने का खर्चा कितना आ रहा है इंसुलिन पर? अच्छा, लगभग 4-3 4 हजार रुपये आपका वेट कितना है? अच्छा सर। 70 अभी थोड़ा कम हो गया है सर, मतलब इंसुलिन कम कर दिए थे मैंने सर, तो अभी कम हो गया, लगभग 75-76 अच्छा पहले सॉरी कितना था? पहले पहले। कितना वेट था? नहीं मतलब अभी 73 है, पहले 76 था। हाँ अच्छा, 2-3 किलो का कम हुआ है बस। हाँ ओके। आप पूरे दिन में पानी कितना पीते हैं? पानी तो बहुत सी बार पी लेता हूँ, मतलब 10-12 लीटर पी लेता हूँ पूरे दिन 10-12 लीटर? 10-12 गिलास? में। हाँ, गिला लीटर पी लेता हूँ तो दोस्त। पानी तो आपका मतलब आपका 3-4 हजार रुपये इंसुलिन लगता है। हाँ अगर आपका इंसुलिन आधा हो जाए तो 2 हजार रुपये फीस दे देंगे? सर, बिल्कुल देंगे सर, इंसुलिन आधा हो गया तो। अच्छा। और आप ये 10-12 लीटर कितने साल से पीते हैं पानी? सर ये तो मतलब अभी 1-2 साल हुए, अभी बढ़ाया है। अभी सर काम वाम भी ज्यादा करने लगे, खेत वेत का वगैरह, खेलना कूदना सब। हाँ तो उसमें मतलब बढ़ गया, सारा पानी भी पीना पड़ता है, पूरा पूरा दिन काम करके खेत वगैरह में। कहाँ खेत में काम करते हैं आप? से किसान है, किसान है ना सर। अच्छा, कहाँ पर रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? ये सर रतलाम सुना होगा, रतलाम मंदसौर नीमच, कौन से स्टेट में ये एमपी, है? हाँ एमपी एमपी मध्य जी, प्रदेश। एमपी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो है हाँ तो अगर काम ना करना हो तो रह, मतलब ऐसा भी निकाल सकते हैं कुछ दिन काम ना करना पड़े या कम करना पड़े? हाँ सर, निकाल सकते हैं सर। अच्छा, आपने एज कितनी बताई थी? जी 22। 22। ठीक है, हाँ तो आपके लिए हेल्थ एक प्रायोरिटी होगी इस समय? तो हाँ सर। हेल्थ तो आपके लिए प्रायोरिटी होगी ना अभी तो? हाँ दूध कितना पीते हैं? दूध तो 1 गिलास पीता हूँ दिन में। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपने 1-2 साल से इतना पानी कराया, पहले कितना पीते थे? पहले जो नॉर्मल पी रहे हैं सब सर, इतना कितना है? नॉर्मल जो पीते हैं सब सारे लोग, ऐसा इतना ही पीता हूँ सर। नहीं, फिर भी आप बताइए ना कितना पीते थे 2 साल पहले? 2 साल पहले तो सर लगभग 7-8 लीटर अच्छा, दूध और चाय? दूध, चाय दिन में 2 बार और दूध 1 बार। अच्छा, आपने हाइट कितनी बताई? 6 फुट? हाँ 6 फुट। आप दो काम कर सकेंगे कि जो भी आप इंसुलिन लें तो कितना लिया, कितने बजे लिया, कितने बजे क्या खाया, वो कागज पर लिख सकते हैं ठीक है सर, लिख सकता हूँ। रेगुलरली, और रोज के रोज आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहो, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा अच्छा सर। और मैं आपको रूटीन बता देता हूँ, उस रूटीन को फॉलो करिए, ठीक है? हाँ आपकी 64 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद आपकी शुगर कितनी आ रही है आजकल? सो आजकल सर मतलब अभी ये आयुर्वेदिक वगैरह चूर्ण वूर्ण खाया था थोड़े दिन से, तो मतलब कि उन्होंने बोला कि इंसुलिन कम करते रहना, तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया था। तो अभी कंट्रोल में है, लगभग कभी 200 हो जाती है, खाने पीने में कुछ नीचे हो जाता है तो 160 उठता है। मेरे हिसाब से आपको जो ब्लड शुगर है 200 से 300 के बीच में मेंटेन करके चलना चाहिए। मेरे को ज्यादा नीचे मत लेके जाओ। सर ऐसा क्यों? देखिए, आपके शरीर में नुकसान होना शुरू होता है, दो तीन चीजें होती हैं। जो आपका जो ब्लड शुगर है वो ब्लड शुगर आपके बॉडी के अंदर सॉरी, जो ब्लड है ना, ब्लड का काम होता है कि शुगर हो या कोई भी मिनरल्स हो या न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सेल्स में डिलीवर करने होते हैं। हाँ सर। हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है वो हमारे सेल्स में बनती है। हाँ सर। अब हमारे शरीर में जो ऑर्गेन्स हैं उसमें से कुछ जरूरी ऑर्गेन्स हैं, कुछ गैर जरूरी हैं चीजें। गैर जरूरी हाँ मतलब उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है वो स्किन है,
स्किन अच्छा होना चाहिए, पर जिसको डायबिटीज होती है उसकी स्किन सबसे पहले खराब होती है। हाँ सर। तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी ब्लड है वो जैसे ही थोड़ा सा शुगर बढ़ती है, आपका ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो आपके स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज और न्यूट्रिशन पहुंचना होता है वो पहुंचना बंद हो जाता है थोड़ा सा भी। तो इसका मतलब हो गया स्किन के अंदर जो वेन्स होती हैं वो सबसे पतली होती हैं। हाँ। परंतु आपको जब शुगर हुई तो आपके किडनी लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? नहीं सर, किडनी पे थोड़ा इफेक्ट आया था लगभग, डॉक्टर ने बोला था 2-4 महीने गोली खाना सही हो जाएगा। हाँ, तो वो शुरू में आया था ना, वो तो ज्यादा रही होगी काफी टाइम के लिए। हाँ, अगर आप एक एवरेज आदमी को देखो, जब उसकी शुगर 200-250 तक होती है तो उसकी किडनी खराब नहीं होती। हाँ सर। किडनी खराब होती है जब वो ज्यादा क्रोनिक बीमार हो जाए, उसकी गोलियां और दवाइयां बढ़ती रहे, उसका इंसुलिन बढ़ता रहे। हाँ सर। उसके बाद फर्क पड़ने लगता है। हाँ। और उसका मतलब होता है कि उस कंडीशन के अंदर आपकी जो ग्लूकोज और न्यूट्रिशन है वो सेल में पहुंचना बंद हो गया आपके वाइटल ऑर्गेन्स। मान लो आपकी किडनी है, किडनी भी तो सेल से बनती है ना। हाँ सर। आपका लीवर भी सेल से बना हुआ है। हाँ। किडनी को भी ब्लड सप्लाई चाहिए और आपके लीवर को भी चाहिए। आपके हार्ट का जो मसल है, हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, पर हार्ट भी तो मसल से बना हुआ ना, टिश्यू से बना हुआ सेल से। हाँ, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। हाँ, हार्ट पंप करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो बिना ब्लड सप्लाई के जी लेते हैं। अब जो इनकी ब्लड सप्लाई की वेन्स होती है ये आराम से खराब नहीं होती। इसका मतलब है कि उनकी जो सप्लाई है उसकी जो वेन्स होती है वो सबसे मोटी होती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर 200-250 के बीच में है, हाँ, तो वहां पर ब्लड शुगर पहुंच जाती है, इसलिए वो खराब नहीं होते। वो डैमेज होने लगते हैं जब आपकी शुगर इंसुलिन बढ़ाने के बावजूद सब कुछ करने के, अब इंसुलिन का एक काम होता है ना कि सेल्स के अंदर शुगर लेके जाए, तो सेल्स के अंदर नहीं लेके जाते, वो सेल्स के बाहर भी रख देते हैं शुगर को। तो जिस समय सेल्स के अंदर शुगर जानी बंद होती है, आपकी लीवर किडनी और इन चीजों में भी जब ब्लड सप्लाई बंद होती है, तब आपके ऑर्गन खराब होने लगते हैं। ठीक है। तो अभी तक जितना मुझे समझ में आया है उतना यह है कि आपका अगर किडनी लीवर और हार्ट अच्छा रहेगा तो आप बेटर मैनेज कर पाएंगे ब्लड को। और अगर आप इतने सालों से डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली वहां पर जो न्यूट्रिशन होता है उनकी कंडीशन धीरे धीरे गिरने लगती है, चाहे आप उसको 100 मेंटेन करो। अब 100 तो नॉर्मल है ना। अगर मान लो आपकी किडनी के मसल्स में ग्लूकोज और न्यूट्रिशन कम है तो वीक तो हो ही गया ना वो, उसको अगर ठीक करना है तो अगर उसके वेन्स मोटा है और वहां पर जा सकता है तो वो ज्यादा लेकर आप वहां तक मेंटेन कर सकते हो। हाँ। तो इसीलिए उसको अगर 200-250 के बीच में रखोगे ब्लड शुगर को, तो हाँ, आपके वाइटल ऑर्गेन्स की हेल्थ खराब होने की जगह इम्प्रूव होने लगेगी। 200-250 रखनी है मतलब? हाँ, 200-250 रखो। और उसके बाद आपको जो चेक करना होता है वो सिर्फ एक ही चीज चेक करना है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है या खराब हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। सर मैं एक बात बताना चाहूंगा सर आपको। सर लगभग अभी आप जो बोल रहे हैं 200-250 रहनी चाहिए शुगर, ये मेरे सर 200-250 रहती, अभी एक दो साल हो गए 200-250 ही रही, मतलब रहती थी शुगर, और मेरा हेल्थ और अच्छा होने लग गया था। मतलब मैं और वो हेल्दी होने लग गया था, और ज्यादा काम कर सकता था, और ज्यादा वेट उठा सकता था। तो इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। ठीक है। अब जितने भी डायबिटिक होते हैं जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो क्या होने लगता है उनको कि उनका ब्लड शुगर अगर 100 पर आ जाता है, 150 पर भी आ जाता है, तो उनके हाथ पर कांपने लगते हैं, उनको कमजोरी होने लगती है। उसका भी वही कारण है कि उनकी जो वाइटल ऑर्गेन्स है वो यूज टू है 250-300 लेने के लिए जो, और जब 60-70 साल की उम्र हो जाती है तो डॉक्टर खुद ही कहता है कि आप 200-250 मेंटेन करो। तो ये चीज अगर आप शुरू में मेंटेन कर लोगे तो बाद में वो नौबत नहीं आएगी। और अगर आप इसको मेंटेन करोगे और आपके वाइटल ऑर्गन्स अच्छी हालत में रहेंगे तो आप बाकी के शरीर को भी फिर ठीक कर सकते हो। जब आपके इंजन ठीक नहीं है, इंजन आपका खराब हो गया, तो उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगाओ आपका दिल ही नहीं करेगा कि अपहोल्स्ट्री की आप सीटों के ऊपर पैसे खर्च करो या आपको उसके उसको सफाई पर पैसे खर्च करो। जब आपकी कार में चलना ही नहीं है तो आप उसकी मेंटेनेंस पर पैसे क्यों खर्चोगे? सही है, सही है। तो अगर आपका इंजन सही है तो आप उसके बाद फिर दिल लगाओगे ना कि बाकी चीजें भी ठीक लगे, पेट वेट भी अच्छा हो, बाकी सब चीजें अच्छा हो। तो इसी तरीके से शरीर का भी हिसाब है। अगर आपके वाइटल ऑर्गेन्स अच्छे हालत में रहेंगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। वो मैं आपको उस लाइन पर ले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। अभी फिलहाल का टारगेट ये रखते हैं कि आपकी एक तो इंसुलिन आदि हो जाए, ताकि आप हमारी फीस देने के लिए पैसे निकालो। हाँ, तो सर मतलब आपका क्या सिस्टम है सर, मेरे को कुछ बताइए सर आप। देखिए, ब्लड शुगर का जो सबसे बड़ा कारण होता है
वो आपके शरीर में ज्यादा पानी होना होता है। हाँ सर। अब सबसे पहले तो सिस्टम होगा कि आप पानी को आधा कर दो। हाँ सर। उसके बाद का टारगेट होगा अगले दिन और आधा कर दो, उसके अगले दिन और आधा कर दो, तो आपको बेसिकली लेके जाएंगे करीब 1.5 लीटर पानी पर। हाँ सर। रोज के मतलब दिन पूरे दिन में 1.5 लीटर पानी पीना है। हाँ। दूसरा टारगेट ये होगा कि आप 5 मिनट चलो और 5 मिनट लेट जाओ हर घंटे में। ये करो, ज्यादा मेहनत मत करो। हाँ। जब आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स और कमजोर होने लगते हैं। एक बारी 2-4 महीने लगा के अपने वाइटल ऑर्गेन्स को एकदम फर्स्ट क्लास बना दो। हाँ। अगर आपके वाइटल ऑर्गेन्स ठीक से काम करने लगे तो आपकी ब्लड शुगर अपने आप से ठीक होने लगेगी। हाँ। उसके लिए आप 5 मिनट चलोगे तो आप थकोगे तो हो नहीं। हाँ। आप 5 मिनट चलोगे तो हल्का सा आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, मूड भी अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ। 5 मिनट के बाद आप 10 मिनट लेट जाओ चलने के बाद, तो वो जो आपको अच्छा लग रहा था वो जो एनर्जी थी आपके शरीर में कहाँ जाएगी? आपके जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, जो आपका मेन इंजन है, उसको मिलेगी। हाँ। अगर उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। हाँ। तो हमारे दोनों पर्पज, एक तो पानी को रेगुलेट करना और खाने के टाइम को रेगुलेट करना, और दूसरा इस चीज को रेगुलेट करना, इन दोनों तीनों चीजों का जो फर्क पड़ता है वो आपके वाइटल ऑर्गेन्स अच्छे होने लगते हैं, आपकी सेहत बनने लगती है। सेहत बनने का मतलब ये नहीं है, वेट तो फिर भी हो सकता है, कम होना शुरू हो जाए। जब आपकी सेहत बनने लगेगी, वाइटल ऑर्गेन्स बनने लगे, तो महीने 2 महीने के बाद अगर आप अंडरवेट होंगे, क्योंकि यही सिस्टम दोनों जगह काम करता है। जिस आदमी का वेट कम है उसका वेट बढ़ा देता है, शुरू में कम होगा पर फिर बाद में बढ़ा देगा, पर जिस आदमी का वेट ज्यादा होगा उसका वेट कम कर देता है। सेम सिस्टम होता है, क्योंकि जिसका वेट कम है वो भी बीमार है, जिसका वेट ज्यादा है वो भी बीमार है। सही है। अगर आप कोई भी सिस्टम ठीक से इस्तेमाल करते हो, खाने पीने का या कोई भी सिस्टम, तो आपको दोनों तरफ से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना। सही है। इसमें दोनों तरफ से इम्प्रूवमेंट होती है, ऐसे दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। हर कोई बोलता है वेट कम करना है, खाना कम कर दो, एक्सरसाइज ज्यादा कर दो, हमारे लिए दोनों चीजें गलत है। ना हम एक्सरसाइज कराते हैं और ना ही खाना कम कराते हैं। तो सर मतलब आपका भी आप कोई आयुर्वेदिक है या सर कुछ ऐसा? दुनिया में किसी भी क्रोनिक बीमारी के लिए, क्रोनिक कहते हैं जो लंबे टाइम चलती है, दुनिया में किसी भी क्रोनिक बीमारी के लिए किसी भी तरीके की दवा की जरूरत नहीं है। जो दुनिया में लाइलाज बीमारियां होती है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर देखोगे ना, जिस चीज का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, 2-2 दिन में 4-4 दिन में लोगों को आराम मिल जाता है। जो आदमी 10 साल से भी बीमार पड़ा है उसको भी आराम मिलता है। और सबसे पहली बात है, मैं आपसे ये तो कह नहीं रहा कि आप मेरे को 10,000-20,000 रुपए भेज दो, मैं तो कह रहा हूँ करो, आपको फायदा होगा तो उसके बाद में आपके जितने पैसे बचेंगे उसमें से, ये नहीं कि सारे मेरे को दे दो, एक आधे 2-4 महीने के भी दे दोगे तो भी बहुत है, फिर बाकी लाइफ आपकी ठीक चलेगी। सही है, सही है, ठीक है ना। और अगर धोखाधड़ी करनी होती तो मैं पहले पैसे मांगता, यहाँ बोलता 5 दिन बाद दे दो, 7 दिन बाद दे दो। सही है सर, आपने तो पहला बोला पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद अपने को पैसे चाहिए। हाँ, परंतु उससे कमिटमेंट आपकी एक चाहिए कि आप रिजल्ट रोज भेजते रहोगे, पूरी डिटेल भेजते रहोगे, आपने कितना खाया, कितना पिया, कितना क्या किया, इंसुलिन कितनी लगाई, कितना ब्लड शुगर आया, जब भी चेक करोगे तो आप भेज दोगे। आप एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेके रखो अगर नहीं लिया हुआ, अगर लिया हुआ है तो आप मेरे को बताओ कौन सा लिया हुआ है, और उसमें भी आपके पैसे बचवा सकते हैं तो उसमें भी बचवा देंगे। मॉनिटर है आपके पास ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का? हाँ, ब्लड शुगर का है सर। आप उसकी स्ट्रिप्स लेते हो? हाँ हाँ। कितने की पड़ती है आपको वो? सर लगभग 400-500 रुपए की 25 स्ट्रिप आ जाती है, डॉक्टर मोरपेन वाला सर। कितने की आती है? 400 रुपए की 25 स्ट्रिप। कितनी स्ट्रिप? 25, 25, 25। ठीक है, अगर आपको इसके 1/3 रेट में मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर वो तो। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो मोरपेन का होता है उसमें डीलर्स का ज्यादा मार्जिन होता है, वही बेचते हैं। एक आता है कोड फ्री, ठीक है, अगर आप उसको नेट पर देखोगे फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको 800-900 रुपए की तो वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। एक चीज होगी इंस्ट्रूमेंट और दूसरी होगी स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स उसमें 600-650 रुपए की दिखा रहा है, परंतु इसका जो होलसेल रेट है, कुछ मार्जिन मैं भी रखूंगा, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ, मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बताता हूँ जो मुझे पड़ेगी और स्टार्टिंग 650-700 रुपए का तो इंस्ट्रूमेंट आता है, और 450 रुपए की 100 स्ट्रिप्स आती हैं। ये जो रेट है इसमें 10-20-30 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं खरीद के आपको कुरियर कर दूंगा, और जो भी उसका कुरियर के चार्जेस होते हैं 50-1 रुपए वो एक्स्ट्रा होगा, और कुछ 101 रुपए मार्जिन होगा। और वो भी आप अगर ज्यादा इकट्ठे ले लेते हैं, जैसे आप एक बार यूज करते हैं आपको अच्छा लगता है,
तो आप 200 लेना चाहते हो तो भी वो मार्जिन उतना ही रहेगा, ये नहीं कि 200 में आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए मार्जिन है या 150 है तो उतना ही रहेगा बस, तो आपको वो फायदा हो जाएगा क्योंकि जाने आने का भी तो कॉस्टिंग पड़ेगी ना जाने का, क्योंकि मैं इसमें डील नहीं करता हूँ, आप बोलेंगे तो आपके लिए सिर्फ वो पीस लाने पड़ेंगे। तो सर वैसे आप वो कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया है? सर वो जगदीश करके सर, राजस्थान से, जैसे वहाँ का है सर, नाम सर उसका राज, अरे राज संबंध का ही है शायद, जगदीश बुनकर। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किया इसको? हाँ सर, वो बोल रहे कि एक बार आप इनसे बात कर लो, ऐसा बोला था सर। नहीं पर उनको ठीक है शुगर? उनको है सर डायबिटीज, अभी भी है, वो मेरी एज का ही है सर, वो तो फ्रेंड है, मतलब ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, देखते मैंने कमेंट कर दिया था ऐसे ही कि भाई अपन सब तो डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसा वैसा ना, अपन ग्रुप बनाते हैं, मैं नंबर वंबर सेंड कर दिया, तो उसने मेरे को मैसेज कर दिया कि यार भाई मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। पर्सनली नहीं मिले हुए उनसे? हाँ मिले नहीं, ऐसे तो कॉन्टेक्ट में। ओके ओके, क्योंकि मुझे भी कुछ लोग ना करते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। राजस्थान में दो एक लोग थे, पता नहीं किन की बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने मेरे से बात ना करी हो सकता करी हो, तो चलिए ठीक है, अगर उन्होंने बोला तो उनको कुछ फायदा हुआ होगा तभी बोला है। हाँ जी सर, दूध पी रहा हूँ सर, ऐसा बोल रहा था, सिस्टर गरम करके ले, दूध वगैरह बंद कर दो। अच्छा दूध बंद करना पड़ेगा? दूध बंद कर दो, चाय बंद कर दो, बिल्कुल चाय बंद करोगे सर में दर्द होगी, 2-4 दिन के लिए होगी, उसको सहलो। हाँ क्योंकि दूध की जरूरत नहीं होती है, और कैल्शियम वेल्शियम होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म खराब करता है थोड़ा सा, और जहाँ तक चाय की बात है, चाय जो बेसिकली न्यूट्रिशन होता है ना, जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में बॉडी में जाता है वो उसको रोकता है, तो हमें तो न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए ना कमजोरी को कम करने के लिए, तो इसलिए दूध और चाय नहीं लेना चाहिए। बाकी खाना पीना आप नॉर्मल रख सकते हैं जितना खाते हैं, पीने का पानी का खाने के साथ साथ पानी पिया करो एक गिलास। आप एक बारी में कितनी रोटी खाते हैं? सर मैं 2 टाइम रोटी खाता हूँ, सुबह खाता हूँ 5-6 रोटी और 5 रोटी शाम को खाता हूँ। आप 3 बार ही खा सकते हैं? 3 बार खा सकता हूँ सर। तो उसका टाइम रखो 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। अच्छा 8 बजे बिफोर में खाऊंगा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा सर? नहीं, आप कौन सी इंसुलिन लेते हो वैसे? सर एक तो लुपिसुलिन लगती है सर, और एक लिंटस लगता है रात में। लिंटस कौन सा वाला है, कितने का आता है? सर ये मतलब पूरा 5 कोटरे जाती है उसमें, लगभग 2000-1700-1800 रुपए तक। 5 क्या आती है? 5 वाइल्स आती है। हाँ 5 वाइल्स आती है, ले लेगा। ये लेंटस का बता रहे ना? हाँ सर लेंटस का। तो एक वॉयल कितने, 3 ml की होती है? हाँ नहीं वो 100 ml का आता है ना पूरा सर। चलो उसकी फोटो भेजना, कौन सा है शीशी की फोटो भेज देना एक बारी। हाँ ठीक है ठीक ठीक है। तो आपका हाँ, तो आप खाने के साथ एक गिलास पानी पियो और सुबह 8 बजे खाना खाओ, बेसिकली बता देता हूँ पर्पज क्या है। खाने से आपको ताकत मिलनी है? हाँ सर। ताकत कम होगी तो शुगर बढ़ेगी आपकी। हाँ अब हमें ताकत बढ़ानी है, डायबिटीज के केस के अंदर सबकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। हाँ तो अगर आप 3 बार ही खाना खाओगे, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी खाने को 5-6 घंटे में पचा लेता है, तो हमने टारगेट रखा हुआ है कि 6 घंटे के गैप के ऊपर खाना खाना है, ताकि जो हम खाना खाएं वो ठीक से पच जाए। हाँ आपका वैसे क्या टाइमिंग क्या है 2 बार खाने का? सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। 10 और 6 बजे का टाइम वैसे तो ठीक है, पर मेरा समझ ये कहती है कि अगर आप बहुत देर से 2 बार खा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप पहले 3 बार खाना शुरू करो और 6-6 घंटे गैप पर खाओ, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है ना तो वो 1-2 दिन में ही इंप्रूव कर जाता है। तो 6 बजे और 10 बजे खाने वाला बाकी सिस्टम तो ठीक है। खाने के साथ पानी पीते हैं आप? नहीं पीता हूँ। बिल्कुल नहीं पीते? बिल्कुल नहीं, खाने के 1 घंटे बाद पीता हूँ। ये सबसे खराब बात है, आपको जितना पानी पीना है खाने के 1 घंटा पहले ले लो, जितना नहीं मतलब 1-2 गिलास जो लेना है आपको खाने के, और एक गिलास एक टाइम पर लिया करो। आपके गिलास का साइज क्या है? ऐसे नॉर्मल लगभग होगा 100-150 ml लगभग। नॉर्मल गिलास होता है 250-300। इतना ही होगा। तो अगर नहीं तो आप एक बार कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से नाप लेना, कोई 200-300 ग्राम लेके ना कि कितना होता है। हाँ। या फिर दूध के भी पन्नी होती है ना, उसमें भी पानी भर के, या दूध को ग्लास में देख लेना कितने ग्लास भरते हैं 1/2 किलो में।
अब ये हो गया आपका सारी चीजें। अब आपको पानी कम करना है, पानी एकदम से कम करना चाहोगे या धीरे धीरे करना चाहोगे? सर धीरे धीरे करेंगे सर। धीरे धीरे करोगे, चलिए ठीक है। कल का फिर फर्क ये करना है कि कल आप खाना खाने से एक घंटा पहले एक गिलास पानी पी लो, या डेढ़ घंटा पहले एक गिलास पानी पी लो, फिर आधे घंटे बाद एक और गिलास पानी पी लो, और खाने के साथ एक पी लो, तो आपका तीन गिलास पानी हो गया। तो तीन बार खाना खाएंगे तो तीन तीन करके नौ गिलास हो जाएगा, और नौ गिलास अगर 250 ml के करीब है तो आप करीब करीब 2.5 लीटर से थोड़ा 2.5 लीटर के आसपास पहुंच जाओगे शायद। ठीक हो गया। और 2.5 लीटर के अलावा पानी मत पीना, तो आपका 10-12 से इतना कम तो पहले दिन ही कर दो, फिर धीरे धीरे करके और कम करना होगा। अब इसमें क्या होगा, आपका मुंह सूखेगा। जब आपका मुंह सूखेगा तो आप 5 मिनट घर आराम से चलो, घर के अंदर ही 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाओ। तो 2-3 बारी लगातार करोगे ना, 5 मिनट लेटे 5 मिनट चले 5 मिनट चले 5 मिनट लेटे, तो 2-3 बारी में आपके जो मुंह सूख रहा है वो बंद हो जाएगा। और पूरे दिन में कोशिश करिए कि 15 से 15 बारी 5-5 मिनट चलने और 5 मिनट आराम कर लें। ये दो चीजें करने से अगले 2-3 दिन में आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तो आधी हो जाएगी शायद। अच्छा सर, हो सकता है 24-48 घंटे में ही आपको, एक दिन में भी फर्क पड़ जाता है। तो इसको चलाओ, फिर उसके बाद आप डेली इन्फॉर्मेशन देते रहो, फिर उसके बाद मैं आपकी रूटीन चेंज कराता हूँ। आप इसमें दो चीजें हैं, एक तो 9 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना, पानी पहले पीना है या खाने के साथ में पीना है, खाने के बाद में बिल्कुल नहीं पीना। ओके सर। सर खाने के बाद तो नहीं पीता हूँ सर। खाने के 1 घंटे बाद पीते हैं ना आप? हाँ, 1 घंटे बाद पीता। तो खाने के 1.5 घंटा पहले से लेकर खाने तक ही पीना है, और कोशिश ये करना है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना बंद कर दें। ओके सर। खाना खाने के 1.5 घंटा पहले एक गिलास पी लिया, खाना खाने के 1 घंटे पहले एक गिलास पी लिया, और फिर खाने के साथ पी लिया एक गिलास, 3 गिलास हो गए। अगर आप 3 बार खाना खाओगे तो 3-3 गिलास करके 9 गिलास हो जाएंगे पूरे दिन में। परसों फिर 9 से 6 पर आना है, उसके बाद 6 से 3 पर आना है। और खाना आप एक बारी में 4 रोटी के करीब रखिए। अच्छा, तो अभी भी आप 10-12 खा रहे हैं, तभी भी 10-12 रहेगी, 3 बार खाएंगे तो 4-4 थी 12 हो जाएगी। पानी कम करने से सर उसका मतलब? देखो होता क्या है कि हमारा जो शरीर में पानी होता है वो 3 जगह होता है। सर। एक हमारा ब्लड में होता है, एक हमारे सेल्स के अंदर होता है, और एक हमारे सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें होता है। ब्लड हमारा सिर्फ बॉडी वेट के 6-7% होता है, तो अगर आप 75 किलो हो तो 5 लीटर ब्लड होगा। जितना भी बाकी का पानी है वो आपके सेल्स में ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए सेल्स कमजोर होने लगते हैं, कम एनर्जी बनाते हैं। तो जब आप पानी खाने के साथ पियोगे तो चांसेस ये हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड को बढ़ाएगा। अब डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट डिसीज में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड कम हो जाता है। ब्लड कम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, और कम होगा तो सेल को भी कमी मिलेगा। खाली पेट जो पानी पीते हो 10-12 लीटर वो सेल में चले जाता है, तो सेल स्वेलअप कर जाते हैं, तो वो इंसुलिन भी लेना बंद कर देते हैं। तो आप खाली पेट पानी को कम कर रहे हो, खाने के साथ बढ़ा रहे हो, तो आपको 2-1 दिन के अंदर ही फर्क दिखाई दे जाएगा। यूजली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप कल सिर्फ 3 गिलास पानी लो, खाने के साथ 1 गिलास 1.5 गिलास 1.5 गिलास तक ले लो, 3 बार खाना खाओ 1.5-1.5 करके 4.5 गिलास पानी ले लो, तो आपका कल ही आपका ब्लड शुगर गिर जाएगा और इंसुलिन यूज कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक करने के लिए आप 3 से 6 महीने मान के चलो। तो फिर इंसुलिन देकर हो जाएगा, मतलब इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं टाइप 1 के बारे में अभी नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ मेरे पास उसके रिजल्ट मिक्सड है, कुछ का कैसा रिजल्ट होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज के कुछ पेशेंट से बात हुई, तो जैसे आप 64 बोल रहे हो, तो मेरे पास एक और पेशेंट थे, उनका 64.5 यूनिट के बावजूद भी 550 रहता था। तो उनका पानी का इंटेक पहले दिन ही उनका 7-8 लीटर रोज का था काफी टाइम से, तो उनका जब हमने 4 लीटर के करीब किया तो उनका ब्लड शुगर दूसरे दिन ही 250 पर आ गया। अगले दिन 4 लीटर से 2 लीटर पर कर दिया तो उनका ब्लड शुगर कम होकर हो गया, फिर 150 या 100 के भी अंदर आ गया था। फिर उनका इंसुलिन आधा कर दिया 3 दिन के बाद, तो भी उनका शुगर वही 200-250 के आसपास चल रहा था, तो 500 से तो ठीक ही था ना वो। हाँ सर, सही। फिर बस उन्होंने उसके बाद 2-3 बारी 4 बारी फोन उठाया, उसके बाद था ही नहीं।
तो अब ये होता ये है कि अगर कुछ लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे तो दूसरों का भी फायदा हो जाएगा। हाँ, जो टाइप 2 डायबिटिक है वो 3 से 4 महीने के अंदर उनकी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो बंद हो जाती हैं। टारगेट यही है। आप बोल रहे थे कि अपनी शुगर 200 से 250 के बीच रखनी, मतलब 200 से 300 के बीच, तो वो डॉक्टर तो बोलते हैं कि 160 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। प्रॉब्लम यही है ना कि जितना मैंने समझाया कोई डॉक्टर समझाता है, नंबर एक नहीं समझाता। नंबर दो, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका क्या कहता है। अगर आप डॉक्टरों के हिसाब से चलते रहोगे तो आज तक दुनिया के अंदर कोई डायबिटिक ठीक हुआ है? नहीं ठीक होना चाहते तो उनकी बात मानो। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक तो आप मेरे को पूछने नहीं वाले। और 50% से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद भी कुछ नहीं पेमेंट करते। सर, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं जो बोलूंगा मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मैंने आपके पास फोन नंबर देता हूँ, आप खुद बात करके देख लो। उन्होंने मेरे से शायद 3 या 4 बार फोन पर बात करी है, उसके बाद मैंने कितनी कॉल्स करी उन्होंने आज तक फोन नहीं उठाया। ठीक है, उसके एक पेशेंट नहीं, मेरे को बोलोगे मैं 10 पेशेंट के नंबर दे दूंगा जो फोन नहीं उठाते। आप करोगे उठा लेंगे, मेरा नहीं उठाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद में भी मैं ये रिस्क लेके चलता हूँ कि अपना टाइम लगा रहा हूँ, फिर ठीक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट मतलब फॉलोअप करूंगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, रिजल्ट मिले ना मिले फिर भी लगा रहूंगा मैं कोशिश करने में। अब टाइप 2 का मिल रहा है तो टाइप 1 का ना मिलने का भी कोई कारण नहीं है। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इंसुलिन छोड़ दो या उल्टा सीधा कुछ करो। इंसुलिन भी लेते रहो, जो आपका टारगेट है उसको भी करो। 4 दिन के अंदर तो आपको भी पता है कि अगर 200-250 रखोगे तो 4 दिन में कोई आफत नहीं आने वाली। फिर आपको मैंने टारगेट बताया हूँ, पेट का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, भूख ठीक से लगनी चाहिए, खाने के बाद भी खुशी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऊपर से बढ़नी चाहिए। एनर्जी उसके बाद धीरे धीरे कम भी होती है कुछ दिनों के बाद में, पहले बढ़ती है फिर कम होती है। कम होने का मतलब ये होता है कि आपके जो अंदर का सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से एनर्जी लेने लगता है, तो इसलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी में कम एनर्जी लगेगी। पर अगर आप फील करना शुरू करो कि आपका हार्ट कितने जोर से पंप करता है, आप जब लेटते आराम करते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है, या आपका जो खाना खाते हैं खाने का स्वाद पहले से इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, पेट खाली आराम से होता है नहीं होता, तो वो सारी चीजें है, आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं बढ़ती। कल से क्या करना है सर, आप मेरे को बता दीजिए एक बार। जी, अगर आप आपको जब कभी दिक्कत महसूस हो तो आप फोन कर लो। पूरे दिन में कम से कम 15 बारी 5 मिनट के लिए चलना है। अच्छा सर। हाँ, अगर आपको प्यास ना भी लगे तो 1 घंटे में 1 बारी तो 5 मिनट चलना ही है आपको। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। और खाने का टाइम याद है ना, 8 बजे 10 8 बजे, दोपहर को 2 बजे, रात को 8 बजे, 6-6 घंटे गैप देना है, और बीच में कुछ नहीं खाना पीना। सर अगर दिन में नहीं खाऊं सर, तो मेरे को डर है सर, अगर वो अभी बीच में ऐसा हो गया था सर। क्या मैंने सर जैसे कि 3 बार खाना कर दिया था तो शुगर बहुत बढ़ गई थी। 3 बार ही खाना खाने से आपने टाइमिंग वगैरह कुछ गड़बड़ किया होगा ना, कि 3-4 घंटे बाद खा लेते होंगे, वो उससे नहीं होना चाहिए। आपका पानी का इंटेक भी उससे फर्क पड़ता, हो सकता है पानी का इंटेक आपका उस समय बढ़ गया हो 3 बार लेना है, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। तो आप एक दिन करके देखो, आपको समझ में आएगा कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा। आप बताओ 300-350 तक भी दिक्कत नहीं होती है। आप नोट करो, 1-2 दिन बताओ, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।